अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद करीब है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ मीठा तो बनाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कंडेंस्ड मिल्क तो ज़रूर भी चाहिए होगा, ताकि हमारा हमारी जो भी स्वीट डिश है वो और ज़्यादा डिलीशियस हो सके। तो उसके लिए हम बनाएंगे अपनी स्वीट डिश को स्वीटन करने के लिए, उसको डिलीशियस बनाने के लिए हम कंडेंस्ड मिल्क बनाएंगे आज। और कंडेंस्ड मिल्क के लिए हमने एक पैन लेना है, और उसके अंदर एक सॉस पैन के अंदर आपने 2 कप दूध डाल लेना है, और इसके लिए हमें 1 कप शुगर चाहिए। ये हमने 1 कप शुगर निकाल लिया, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम अपना स्टोव ऑन कर देंगे। और स्टोव ऑन करने हमने मीडियम फ्लेम पे रखना है। ये इसके अंदर हम एक दफ़ा इसको डिसॉल्व कर लेंगे, और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है, या लो टू मीडियम फ्लेम कह लें। और इसको 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे, जब तक कि ये 2 कप से दूध 1.5 कप ना हो जाए। जी तो व्यूवर्स, 10 मिनट हो गए हैं, और ये दूध में जो है ये अच्छा सा दूध बॉयल हो चुका है, और 10 मिनट से ये पक रहा है। और इसमें हमने वक्फे वक्फे से जो था वो इसको स्टिर कर लिया था, और अब हम इसको इस पॉइंट पे जब ये आ जाता है, तो हमने एक तो दो ऑप्शन हो सकती हैं। एक तो ये कि हम इसको तेज़ आंच पे कर लें, इसका जो स्टोव है वो तेज़ कर लें, फ्लेम हाई कर लें, और इसको पका लें अच्छे से ठीक होने तक। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप इसको हल्की आंच पे रख दें, बिल्कुल यानी लो टू मीडियम फ्लेम पर, और इसको वक्फे वक्फे के साथ आप इसमें जो है वो इसको स्टिर करते जाएं, इसको इसमें यानी चम्मच हिलाते जाएं। जी तो व्यूवर्स, हम अपना जो स्टोव है हम फर्स्ट ऑप्शन को बेटर समझते हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि हम स्टोव जो है अपना फ्लेम जो है वो हाई रख के इसको साथ साथ कंटिन्यूसली जो है वो स्टिर करते जाएंगे, इसमें अपना जो हमारा चम्मच है वो हिलाते जाएंगे, ताकि ये ना तो इसके पैन के बॉटम में लगे और ना ही ये बॉयल होकर बाहर आ जाए। इसको हम ठीक होने तक पकाते रहेंगे, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट इसके और लगेंगे, लेकिन इसको आपने बहुत ज़्यादा ठीक नहीं करना, रनी रनी पोजीशन में रखना है, क्योंकि जब ये इसको हम ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद जो है वो ठीक हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये इसकी कंसिस्टेंसी ये ठीक हो चुका है काफ़ी, और इसको हमने इसका जो स्टोव है वो अब स्लो किया हुआ है। ये देखें, जब ये इसकी वॉल्स के साथ चिपकना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है, ये देखिए ये रेडी हो गया है। इसकी इसको हम रनिंग कंडीशन में ही रखेंगे, क्योंकि अभी जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। ये देखें, बहुत ही शानदार जो है हमारा ये कंडेंस्ड मिल्क रेडी हो चुका है। अब हम इसे अपने एक बाउल में डाल लेते हैं और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। जी तो व्यूअर्स, ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त कंडेंस्ड मिल्क रेडी हो चुका है। इसको आप किसी भी स्वीट डिश में, सवियों में या गोले के ऊपर भी डाल सकते हैं, और सवियों में भी डाल सकते हैं, कोई भी ट्राइफल, कोई भी स्वीट डिश बनानी हो तो आप उसमें इसको ऐड कर सकते हैं। इसका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होता है, और अगर आपको मेरी ये कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।